Assalamualaikum, this is me, मैं रोश मेमो। कीटो फ्रेंडली कैबेज रोल्स आज मेरे किचन में बन रहे हैं। दिस डिश इज़ सो पॉपुलर इन पोलैंड, यूक्रेन, टर्की, रोमानिया, ईरान एंड प्रोबेबली सो मैनी अदर प्लेसेस। होता क्या है, इसमें बंद गोभी के पत्तों को लेके उसमें मीट और राइस की फिलिंग की जाती है, फिर उसको किसी सॉस या डिप के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन चूंकि हम कीटो रोल्स बना रहे हैं तो हम इसमें राइस की स्टफिंग नहीं करेंगे। किन बातों का, किन टिप्स का ख्याल रखना है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लास्ट में देखना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे। चिकन का कीमा लिए, 250 ग्राम अंडा, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक और काली मिर्च, बस चार चीज़ें ही इसमें जाएंगी। आप चाहें तो चिकन के कीमे की जगह बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी देर में हमारी मैरिनेशन कंप्लीट होती है तब तक हम गोभी के पत्तों को प्लांच कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बंद गोभी ली है, इसके बाहर वाले हिस्से को चारों तरफ से कट लगा दें या फिर पूरा आप निकाल ही दें। रिमूव इट्स हॉट पॉट। और अब इन पत्तों को ब्लांच करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ध्यान रहे जो सख्त वाला हिस्सा होगा उसको आपने कट कर देना है। गर्म पानी से निकाल के फ़ौरन आपने ठंडे पानी में डाल देना इन पत्तों को, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ कर रही हूँ। मैरिनेशन टाइम कंप्लीट हो गया है, बस अब हम कीमे को फ्राई कर लेंगे। एक बात का खास ख्याल रखना है, जब भी कीटो डाइट आप करेंगे उसमें नॉर्मल कुकिंग ऑयल नहीं जाता, बटर, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जाता है। तो मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। अब बारी है कुछ वेजीज की। हरी मिर्च डालूंगी बीज निकाल के, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजेस डाल सकते हैं जो भी सीजनल हों। और बस अब इसको कवर करके रख देना है ताकि चिकन का कीमा गल जाए और पानी खुशक हो जाए। फोर टेबलस्पून मैदा और ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल के जल्दी से हम स्लरी बना लेंगे। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ इट्स फिलिंग टाइम। गोभी के पत्ते को लेके उसमें 1 टेबलस्पून या 1/2 टेबलस्पून फिलिंग रख देंगे। आपको कट नज़र आ रहा है पत्ते में, ये वो वाला कट है जो हार्ड पार्ट था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। ज़ोर से प्रेस करके आपने रोल की शेप देनी है। अगर आपसे ज़ोर से प्रेस नहीं हो रहा तो आप किचन टॉवल का यूज़ करें। यहाँ दोबारा से आपको रोल बनाना सिखा रही हूँ। वीडियो की स्पीड को मैंने तेज़ इसलिए नहीं किया ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब लास्ट पार्ट में तवे को बटर से ग्रीस करना है और जो हमने स्लरी प्रिपेयर की थी उसमें रोल को डिप करके 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये सारा काम आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। कुछ रोल्स मेरे खुल गए थे क्योंकि मैंने पत्तों का सख्त वाला पार्ट रिमूव नहीं किया था। खैर, पहली बार ट्राई करी थी तो इतना तो चलता ही है। इसका सलूशन ये है कि जब आप रोल्स को तवे पे फ्राई करेंगे और स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेप में आ जाएंगे।
मेहनत मेरी तब वसूल हुई थी जब मैंने इसकी फर्स्ट बाइट ली थी. ट्रस्ट मी, दीज रोल्स टर्नड आउट सुपर डिलीशियस. अम्मी अबू को लाजमी टेस्ट कराइए. मुझे दीजिए इजाज़त. टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़. नहीं भाई, तो बारिश हो रही है.